फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे के कटलेट्स की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। तो इसके लिए ये मैंने 4 अंडे ले लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से उबाल लिया है। तो जो ये हमने अंडे लिए हैं, इसे हम बीच में से इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अंडे को हम काट लेते हैं। आप चाहें तो एक अंडे के 4 पीस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अंडों को मैंने बीच में से काट लिया है। तो अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो ये मैंने लिया है काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लें और ये बन गया एक अंडा मसाला। इससे जो है ना, अंडा कटलेट्स जो है ना, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जो ये अंडे लिए ना, उसके ऊपर इस मसाले को अच्छे से लगा देंगे तो काफ़ी टेस्टी से कटलेट्स बनेंगे। और जितने भी मैं मसाले इसमें ऐड करूँगी, उसकी क्वांटिटी को जो है ना, रिटिन में मैं अपने वीडियो में आपको दे दूंगी। ये देखिए, मसाले को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये जो है ना, मसाला अभी बच गया है इसमें। तो इसे एक साइड में रख देते हैं और ये जो अंडे ना, इसे भी एक साइड में रख देते हैं। और ये मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। तो आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं। ये आलू जो है ना, गर्म गर्म है, इसलिए अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। बस आलू को मैश करते वक्त ध्यान रखें कि इसमें जो है ना, बिल्कुल भी गुठली नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, आलू को जो है ना, मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब इसमें हम सब मसाले ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने लिए कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और चाट मसाला। मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया। और जो अंडे के लिए मसाला बनाया था ना, वो भी बच गया था, उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। और इन सबको जो है ना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखिए, काफ़ी कम मसालों के साथ ये बनता है। जो घर में हमारे मौजूद होते हैं ना मसाले, उसी से बन जाता है। एक कॉमन सी रेसिपी है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट टेस्ट होता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने आलू में अभी नमक ऐड नहीं किया था, नमक भी ऐड कर लें। नमक जो है ना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। तो ये देखिए, सब मसालों को जो है ना, मैंने आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आलू का एक पोर्शन लेंगे इस तरह से और इसे हाथ पे स्प्रेड करेंगे ऐसे करके। ये देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी, झटपट से बन जाएगी। और जो अंडे हमने लिए थे ना, उसमें से ये अंडा लेंगे, इसे इस तरह से रख देंगे और इसे आलू से कवर कर देंगे। तो जितने भी मैंने अंडे लिए थे, उसे मैंने आलू से अच्छी तरह से कोट कर दिया है। तो अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक अंडा लिया है। अंडे में मैं ऐड कर रही हूँ 2 पिंच नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जिससे जो कोटिंग है ना, वो चटपटी सी रहे। तो इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये देखिए, अंडे में मैंने करीब 2 टेबल स्पून दूध ऐड कर लिया है। इसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। तो अब इसकी कोटिंग किस तरह से करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो अंडे बीट करके रखे ना, इसे इस साइड में रख देंगे और ब्रेड क्रम्स को अपने पास रख लेंगे। और ये जो हमने कटलेट तैयार किए थे, इसे डिप करेंगे हम इसमें, अंडे में। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से अंडा इसके ऊपर लगा लें। और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और दूसरे हाथ से इसे इस तरह से कोट कर देंगे। देखिए, अब हाथ से हल्के हल्के इसे प्रेस कर देंगे, जिससे जो ब्रेड क्रम्स इस पर हमने लगाए ना, वो अच्छे से चिपक जाएँ। ये देखिए, बस ये तैयार है। अंडे के कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं। तो इसी तरह से जितने भी मैंने ये कटलेट्स रेडी किए हैं, उसको हम कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, जितने भी कटलेट्स थे, उसे मैंने कोट कर लिया। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, कटलेट्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। तो अब इसमें हम कटलेट्स ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। और जब इसका एक साइड से कलर चेंज हो जाएगा, तो इसकी साइड को हम चेंज करते रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे फ्राई करने में, क्योंकि जो कटलेट्स है ना, उसमें एक बॉइल किया हुआ है और जो आलू है, वो भी पके हुए हैं। तो इसीलिए बस ऊपर से हमें जो ये कोटिंग है ना, इसे ही पकाना है। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लगा है। बस इसी तरह से इसे हम सब तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, कटलेट्स जो है ना, फ्राई हो चुके हैं। इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। ये देखिए, कितना प्यारा सा कलर आया है सब पे। बस इसी तरह से जितने भी कटलेट्स हैं, उसे फ्राई कर लीजिए। तो अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल पास से, कि कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त सा दिख रहा है। बस तो ये टेस्टी से एक कटलेट आप लोग ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और जब आप इसे बना लें, तो मुझे बताएं भी कि ये आपको कैसे लगे। तो चलिए, जो बाकी कटलेट्स हैं, उसे भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए, कटलेट्स तो मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने। ये देखिए, ये कटलेट्स मैंने लिया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस इसी तरह से आप लोग भी इसे बनाएं। अब मैं इसे आपको काट के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे दिख रहे हैं।
ये देखिए, तो ये देखिए जबरदस्त से कटलेट्स बनके तैयार हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, और जब आप इसे ट्राई कर लें तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये मेरी टेस्टी सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और देखते रहे मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन्जॉय करें मज़ेदार से अंडे के कटलेट्स विद कृषि बास किचन। थैंक यू।